हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैपिटल अल्फ़ाबेट यानी कि ए बी सी डी को हम किस तरह से इंक्लाइंड लिख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि इंक्लिनेशन ये थीटा कितनी होनी चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि वर्टिकल यानी कि सिंपल में वर्टिकल हम इसे सिंपल में वर्टिकल की बात करें तो इस तरह से हम किस तरह से अल्फ़ाबेट ए बी सी डी को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के अल्फ़ाबेट लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह के मेरे इस चैनल के फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी तरह से बता रखा कि इस तरह के अल्फ़ाबेट को किस तरह से हम लिख सकते हैं। और फिलहाल हम इस तरह के अल्फ़ाबेट यानी कि इंक्लाइन अल्फ़ाबेट को इस कार्डबोर्ड पर किस तरह से लिखनी है इसे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे प्रॉपर। चूँकि फ्रेंड्स, ये जो हम इसमें अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो इस तरह के अल्फ़ाबेट यानी कि इंक्लाइन अल्फ़ाबेट लिखेंगे, तो हम सबसे पहले अपने ड्राफ्टर की एंगल को एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर मैं एंगल की बात बता दूँ, अगर क्वेश्चन में थीटा कितनी होनी चाहिए, अगर एक क्वेश्चन में इस तरह से थीटा ना गिवन हो तो हमें 75 डिग्री एंगल को एज्यूम कर लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो। बट अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 65 डिग्री एंगल पे लिखनी है या 60 डिग्री एंगल पे लिखनी है तो हम 60 डिग्री एंगल पे ही लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन पेपर में एंगल ना गिवन हो तो हम 75 डिग्री एंगल का यूज करके इस इंक्लाइन लेटर को हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ड्राफ्टर को 75 डिग्री एंगल पे हम सेट करेंगे। अगर आपको ड्राफ्टर से किसी भी तरह की कोई एंगल खींचने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना रखा, आप उसकी हेल्प से देख सकते हो कि ड्राफ्टर से कोई भी एंगल आप किस तरह से खींच सकते हैं। चाहे मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि इसको 75 डिग्री एंगल पे लाना है। ये आपका 70 हो गया, ये 75 बीच में करीब, ठीक। अब इस वर्टिकल लाइन को इससे मैच करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जब जो बॉक्स बनेगी, इस सारे बॉक्स की जो डिस्टेंस होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स बनती है, इस तरह की जो बॉक्स बनती है ये पूरी तरह से स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगल नहीं, पूरी तरह से स्क्वायर होनी चाहिए। और एक बार मैं और बता दूँ कि जो बॉक्सेस है, जो बैकग्राउंड की जो बॉक्स है, ये पूरी तरह से हल्की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन पोर्सन है ये अल्फ़ाबेट हमारा मेन पोर्सन है, तो इसे हम डार्क लाइन से खींचेंगे। जबकि लेकिन ये जो बैकग्राउंड की जो बॉक्सेस हैं इसे हम हल्की पेंसिल यानी कि इसे खींचने के लिए हम 2H, 3H, 4H कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, और अगर इसे खींचना हो तो H या HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जो मैं डिस्टेंस खींचूँगा पूरी तरह से इक्वल होनी चाहिए, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर 5 mm का मार्क कर लेते हैं, हर एक 5 mm पे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसी के पैरेलल 75 डिग्री एंगल पे इसी के पैरेलल हर एक लाइन को हम खींचेंगे। ये पूरी तरह से हल्की होनी चाहिए क्योंकि एक बैकग्राउंड की लाइनें हैं। अब फ्रेंड्स, इस तरह से ये वर्टिकल लाइन खींचने के बाद अब हमें हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम फिर से ही हर एक 5 mm का डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेंगे ताकि जो बॉक्सेस बने वो पूरी तरह से स्क्वायर बने। उसके बाद हम इसी के पैरेलल लाइन खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरी तरह से 9 बॉक्सेस बनाए हैं, क्योंकि अगर हम इसमें जो अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं वो 7:4 में लिख रहे हैं, तो ये 7 1 2 3 4 5 6 7, और हमें एक ऊपर एक नीचे गैप छोड़नी है ताकि पूरी तरह से अब देखने में भी अच्छी लगे। और ये 4 है तो हम यहाँ भी एक छोड़ करके यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि इस और इस 1 2 3 4 इसके बीच में हमारे जो लेटर लिखाएगी ए बीच का पोर्शन है, तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इस पॉइंट से
मैच कर देनी है। और ये हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि ए लिखते टाइम ये जो डिस्टेंस हम ए जो बीच का पोर्शन है बीच में ना देकर नीचे से थर्ड आने की 1 2 3 यहाँ पे इसे हमें खींचनी होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ए अल्फ़ाबेट लिखा चुका है। तो हमें बी लिखनी है, तो बी भी हम 7:4 का यूज कर कर 7 ये डिस्टेंस एक गैप छोड़ करके और ये 4 1 2 3 4 इसमें भी ऊपर से 3 तो 1 2 3 और यहाँ हम इसे 3 खींचेंगे क्योंकि ये ऊपर का सर्कल हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि बी के ऊपर का सर्कल छोटा होता है एज कंपेरिजन टू लोअर बॉटम वाले का। और हम मास्टर सर्कल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे। मास्टर सर्कल से कौन सी सही होगी ये हम अपने अनुसार ही एडजस्ट कर लेंगे। मैच हो गया यहाँ पे नीचे का पोर्शन। अब ऊपर वाले के लिए एक छोटी सी सर्किल जो कि इससे हल्की सी और इधर ही होनी चाहिए क्योंकि बी में ऊपर का जो होता है पोर्शन वो हल्का सा छोटा होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा अल्फाबेट बी हो गया। इसी तरह से आप सी डी ई एफ जी एच हर एक अल्फ़ाबेट को लिख सकते हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी जो बातें थी वो कि इसकी एंगल जो है 75 वो किस तरह से खींचनी है ये तो मैंने बता रखा हूँ। इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड की पोर्शन है वो हल्की होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू इस पोर्शन। तो फ्रेंड बाकी सारे अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो। अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस अल्फ़ाबेट को लिखकर आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी यूजफुल लगे तो इसे लाइक और मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो आपके लिए हेल्पफुल जो वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।